सो गाइज, आज का जो गेट रेडी विद मी होने वाला है वो इस कुर्ते के साथ होने वाला है जो कि मैंने रिलायंस से लिया था, और मुझे ये कुर्ता बहुत पसंद है और बिल्कुल सिंपल सा कुर्ता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसके साथ मैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी ऐड करूँगी मेकअप में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लगाया है गुड वाइब का ये टोनर, जो कि पर्सनली मुझे पसंद है और मैं टोन जब भी करती हूँ ना इसको डेली रूटीन में अपने ऐड ही करती हूँ। इसके बाद बारी आती है सनस्क्रीन की, जो कि आप समर में तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। भर भर के सनस्क्रीन लगाओ, फाउंडेशन ना हो, क्रीम ना हो तो भी चलेगा, पर आप सनस्क्रीन बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है SD का प्रो कंसीलर, जो कि थोड़ा सा कंसील करना ज़रूरी था, और क्योंकि ये नेचुरल लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर NYBAE का ये रोजी पिंक वाला फाउंडेशन, स्टिक फाउंडेशन है, जो कि ईजिली ब्लेंड हो जाता है, काफ़ी क्रीमी टेक्स्चर है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल लगता भी नहीं है फेस पे कि बहुत ज़्यादा फाउंडेशन आपने यूज़ किया है। इसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़े से आई का जो लुक है ना वो थोड़ा सा बोल्ड देना चाहिए, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ ना बहुत अच्छा जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिया आई पैलेट से ब्राउन शेड और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया अपने आई लिड पर। इसके बाद मैं यहाँ पर ब्राउ को अपने फिल कर रही हूँ, जो कि स्विस ब्यूटी का आईब्रो पैलेट है। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर मेबलिन का जो जेल आईलाइनर होता है काजल, उसको मैंने यूज़ किया है, उसका एक स्ट्रोक मारूंगी अपने लाइनर के तौर पर, और इसके बाद स्मच वाला ब्रश लेकर ना इसको अच्छे से स्मच कर दूंगी, ताकि जो लुक है हमारा ना वो थोड़ा थोड़ा डस्की सा, आइकॉनिक सा लगे। और ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से इजीली ब्लेंड कर लिया। देन दूसरी आई में भी सेम करना है आपको। और इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये ग्लिटर वाला स्विस ब्यूटी का ही जो कि आई शेडो है, और बहुत ही पर्सनली मैंने बहुत सारे इसके कलेक्शंस इकट्ठा करके रखे हैं, उसका भी रिव्यू मैं एक दिन शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू दूँगी। और बहुत ही अच्छा लगता है, ईजिली ब्लेंड हो जाता है और बहुत जल्दी से ड्राई हो जाता है, पता है, और बहुत ही अच्छा थोड़ा सा सीमर और ग्लिटर का लुक होता है ना, तो वो आई को बहुत ही अच्छा लुक देता है, जो कि अभी आपको देखने को आगे मिलेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर फिल कर लिया काजल, जो कि कलर एसेंस का था और काफ़ी अच्छा है, स्मूथ टेक्स्चर है, अच्छे से लग जाता है, काफ़ी ब्लैक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया ये वाला मस्कारा, जो कि इनसाइड का है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि पता है अगर आप इसको लगा लेते हो ना तो आपके जो लैसेज हैं ना वो ऑलरेडी थोड़े से थिकर लगने लगते हैं। और ये जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं ना, ये अंडर 500 के हैं, तो आप इजीली इसको ले सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया हुडा ब्यूटी का ब्लश पैलेट, और इससे मैंने थोड़ा सा ब्लश ऑन कर लिया, क्योंकि आप कुर्ते के साथ थोड़ा सा पिंक ब्लश यूज़ करते हो ना वाइट कुर्ते के साथ, तो वो अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर हुडा ब्यूटी का क्रीमी वाला लिपस्टिक यूज किया, देन इसके बाद मैंने मैबलिन का उस पर लिप कलर अप्लाई कर लिया था। तो ये रहा मेरा मेकअप हो चुका था। अब बारी थी थोड़ी सी हाईलाइटिंग की, जो कि लास्ट में होती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर चैम्बर का ये हाइलाइटर लिया था। चैम्बर के मैंने कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किए गाइस, वो मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही उसका रिव्यू दूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर मैक का ये फिक्सर यूज़ कर लिया था, जो कि मेकअप फिक्सर था, जो इंस्टेंट ग्लो आता है। उसके बाद ये झुमका जो ऑक्सीडाइज था, और ये ज्वेलरी, ये सारी ज्वेलरी जो है ये मैंने मीशो से ली थी। अगर आपको चाहिए लिंक कोड तो मैं लिंक में दे दूंगी। तो ये रही मेरी ज्वेलरी, और मैंने नोजपिन भी पहन लिया था ब्लैक बिंदी के साथ। दिस इज़ माई फाइनल लुक। आप लोग बताइएगा कि ये लुक आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लव यू, बाय।